हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम एमएस एक्सेल के कुछ मेन्यूज़ में डिस्कस करेंगे, जिससे सबसे पहले आज हम इसके अंदर बारे में डिस्कस करेंगे होम रिबन्स। होम के अंदर हम इसके अंदर जो सबसे पहले जो आपका रिबन्स है, ये पूरा आपका होम टैब है। इसके अंदर जो सबसे पहले रिबन है वो आपका है क्लिपबोर्ड। देखिएगा क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड एक नॉन वोलाटाइल्स होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब एक तरीके से टेम्प्ररी मेमोरी। एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल इज ए टेम्प्ररी, नॉन वोलाटाइल इज ए फिक्स्ड होता है। तो ये क्लिपबोर्ड मेमोरी जब तक काम करते रहती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम्स एक्सेस करते हैं उस प्रोग्राम को जब तक एक्सेस रहता है वो एक्सेसिंग जो रहेगी वो आपकी प्राइमरी मेमोरी। देखिएगा जैसे मैं कोई कंटेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया, इस कंटेंट की मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने ये कंटेंट टाइप कर दिया, ये कंटेंट टाइप करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस मैटर को सिलेक्ट करके इसकी मैं फॉर्मेटिंग करूँगा। जैसे मैंने यहाँ से इसका पैटर्न चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसको बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइंस, और इसके बाद मैंने इसके अंदर बॉर्डर्स भी अप्लाई कर दिया। तो ये सब क्या होगी, फॉर्मेटिंग्स कर दिया। अब इस फॉर्मेटिंग में मुझे कुछ कंडीशंस, कुछ पेस्टिंग चाहिएगा। तो सबसे पहले मैं इस कंटेंट को क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने से क्या हुआ, ये क्लिपबोर्ड में जा चुका है। ओके, अब यहाँ पे आइएगा। अब जो आपको यहाँ पे पेस्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो नीचे साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी और आपको क्लिक करना है सबसे लास्ट में पेस्ट स्पेशल। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले कमांड है इसके अंदर, ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यूज। वैल्यूज किस लिए होता है, जो मैटर आपने यहाँ पे ये कॉपी किया है ये कॉपी विद फॉर्मेटिंग हुआ है। यदि हमें ये विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप वैल्यू पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। तो देखिएगा जैसा हमने कंटेंट स्टार्टिंग में टाइप किया था बाय डिफॉल्ट वो ऐसे ही आ चुका है। अगर मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको पेस्ट स्पेशल, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्मेट्स कर देंगे। तो ये फॉर्मेट जो का तो आ जाएगा। तो मैं इस फॉर्मेट के अंदर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, सेक्शन। तो इस तरह से मैं कुछ कंटेंट टाइप कर सकता हूँ, और भी कर सकता हूँ मैं। जैसे इसको सिलेक्ट कीजिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैंने कॉपी किया, मैं कहना चाहता हूँ ये फॉर्मेट इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो इतना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे पहले, जिस एरिया में आप लेके आना चाहते हो, फिर पेस्ट स्पेशल में ही जाके आपको क्या करना है, इसको फॉर्मेट्स करना है, और फिर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिएगा वही फॉर्मेट आ चुका है, कंटेंट तो पहले से ही था, वो फॉर्मेट कॉपी हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्या, यदि मुझे मैटर बिना बॉर्डर के चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके इसे कर देंगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। एक एक्सेप्ट होता है, एक होता है एक्सेप्ट बॉर्डर होता है, यानी कि ये इग्नोर करेगा किसको, बॉर्डर को, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके। तो देखिएगा इसने बॉर्डर नहीं आया। अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये बॉर्डर के साथ आ जाएगा। देखिएगा आया बात समझ में, देखिए इसमें है ना कपड़े, इसमें ये बॉर्डर नहीं है और इसमें विद बॉर्डर है। दूसरा नेक्स्ट क्या होता है, यदि मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम की चौड़ाई बढ़ा लेता हूँ, इंक्रीज कर दिया। जैसे मैंने इस कॉलम की चौड़ाई को मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करा। मैंने बात क्यों कर रहा हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे इसकी भी इतनी चौड़ाई करनी है। तो पहले आप इसको कॉपी करेंगे, फिर जिन जिन कॉलम की आपको चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके आपको क्या करना है, इसको करना है यहाँ पे कॉलम विड्थ, और फिर क्या कर देंगे आप यहाँ पे ओके। देखिएगा सभी कॉलम की उतनी ही चौड़ाई हो चुकी जितनी मैंने इसको कॉपी किया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा पेस्ट स्पेशल में वो क्या होगा, सॉरी पहले मैं कुछ कंटेंट टाइप करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट टाइप किया, ये डिजिट टाइप कर लेता हूँ मैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं डिजिट टाइप कर लेता हूँ, और भी मैं डिजिट टाइप कर लेता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ अलग अलग। मुझे फॉर्मूला क्या करना है, कॉपीज करना है, तो फॉर्मूला को कॉपीज करेंगे आप, कैसे वो दिखा रहा हूँ। आप किसी एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाइए, तो इसके अंदर देखो फॉर्मूला लगाने के लिए आप पहले आप कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करेंगे, अल्ट की दबाने के बाद आप इक्वल दबा देंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिएगा 210 आ चुका है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ जहाँ पे आपको अप्लाई करना वो एरिया सेलेक्ट करके इसको पेस्ट स्पेशल में जाके आपको कहाँ क्लिक करना है, फॉर्मूलास, और इसके बाद आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिएगा जो जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो सब वहाँ पे लग चुका है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, मैंने इस सेल्स के अंदर कोई कमेंट लगाई,
जैसे मैं व्यू में रिव्यू में गया और मैंने यहाँ पे इसके अंदर न्यू कमेंट और यहाँ पे मैंने ऐड करा जैसे टेक्निकल। ओके, जैसे अब मुझे मैंने क्या करना है, ये जो कमेंट है इस कमेंट की मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी पर क्लिक करेंगे और किन किन सेल में आपको कमेंट देना उन सेल्स को सेलेक्ट करके आप पेज स्पेशल में जाएंगे और इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट्स पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे, तो देखिएगा वही सेम कमेंट्स आ जाएगी जो जो आपने लिया था। देखिएगा सेल पॉइंट लगे, यदि कमेंट शो करना है तो आप रिव्यू में जाइए और यहाँ पे आप कमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स, तो देखिएगा जो जो कमेंट लगाई थी वो सब शो, अगर हटाना है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा इसके अंदर क्या था, होम के अंदर क्लिपबोर्ड था। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, देखिएगा जैसे मैंने क्या करा, ये एरिया सेलेक्ट किया और इस एरिया में मैंने ये कर दिया, ये सब यानी कि वो सब कंटेंट ये सब चीज़ लगा दिया। ओके, और मैंने क्या करा, मैं कहना चाहता हूँ ये नीचे वाली लाइन का आ जाए, तो उस लाइन को सिलेक्ट करके जहाँ पे लेके आना वहाँ पे आप इसको एरिया सेलेक्ट कर देंगे तो उतने एरिया में वही फॉर्मेट आ जाएगा। मान लो अगर मुझे दो के अंदर लगाना है तो फॉर्मेट, हाँ एक कंडीशन है, जिसका आप पेज फॉर्मेटिंग कंटेंट रिपीट करना चाहते हो पहले आपका वहाँ पे सेल पॉइंटर होना चाहिए, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके जिस जिस एरिया को करना तो उस एरिया को आप वहाँ पे इतना आप सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिएगा वहाँ पे उतना ही एरिया वो सेम हो जाएगा। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। ये था हमारा क्लिपबोर्ड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फॉन्ट। देखिएगा फॉन्ट में क्या होता है, जैसे मैं इसको कमेंट को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कमेंट, मैंने कुछ टाइप किया कंटेंट, नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन। ओके, तो मेरा कुछ पिछला डाटा होगा मैं उसको निकाल लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। ओपन में गए, जैसे मैं समीप का निकाल लेता हूँ। देखिएगा मेरा एक उस डेटा है, मैं इस डेटा की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। देखिएगा कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए, इनको हम फॉन्ट बोलते हैं, ये लैंग्वेज नहीं होता, कई बार क्या होता है इनको लैंग्वेज बोल देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, फॉन्ट। कैसे, देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे देखो फॉन्ट चेंज होते रहेंगे, ये सब क्या एक तरह के फॉन्ट बोलते हैं इनको। किस टाइप का आपको फॉन्ट लेना है ये लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज इससे बिल्कुल डिफरेंट वर्ड होना चाहिए। जैसे आपका देखो मैं मान लो सपोज करो एम टाइप करता हूं तो एम इंग्लिश का क्या होगा, एम होगा, लेकिन अगर मैं उसको हिंदी में लिखूं तो वो दूसरे तरीके से होगा। अब देखिएगा जैसे मैं है तो भी लेकिन इस टाइप इनके डिजाइन चेंज हो रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। दूसरा ये इसका साइज होता है, साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये क्या होता है, बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए, यहीं से नॉर्मल हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। किस तरह फॉन्ट, हमारे तीन तरह के स्टाइल होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और इसके नीचे भी एक और है, आपको डबल लेनी है या आपको सिंगल अंडरलाइन लेनी है तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है बॉर्डर। देखिएगा बॉर्डर के अंदर बहुत सारी कमांड्स है, एक वो है बॉटम बॉर्डर, इसमें क्या होगा नीचे की ओर बॉर्डर आएगा और सब जगह नहीं आएगा, इसमें क्या है टॉप में बॉर्डर लगाएगा, इसमें लेफ्ट में बॉर्डर लगाएगा। देखिएगा मैं इसको अगर नॉर्मल करना चाहता हूं तो नॉर्मल में किस कंडीशन में करूंगा, क्लियर में जाइए फॉर्मेट्स, तो देखिएगा वो फॉर्मेट जो आपने किया था अप्लाई किया था। मान लो मुझे क्या करना है, इसके राइट साइड में बॉर्डर लगाना है तो इसको सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे तो कि ये राइट में बॉर्डर आ गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, ध्यान से देखिएगा आ रहा है। इसके बाद अगर मुझे क्या करना है, लेफ्ट में और टॉप में और लगाना है, देखिएगा टॉप में लग गया, दिखाई नहीं दे रहा, नीचे को ले लेते हैं थोड़ा सा डेटा, हम थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं, देखिएगा दिखाई दे गया। इस तरह से हम बॉर्डर कहीं भी लगा सकते हैं। यदि आपको सभी जगह लगाना है तो आप इसको कर सकते हैं ओवल बॉर्डर्स, देखिएगा सभी जगह लग गया। और भी कंडीशन है, मैं कहना चाहता हूँ जो ऊपर टॉप एंड बॉटम है उधर आ जाए डार्क, बाकी जगह अलग अलग हो जाएगा। कैसे होगा, मान लो मैंने इसको डेटा को सेलेक्ट किया, जैसे ये हो गया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दोनों तरफ देखिएगा ऊपर आ गया, हो गया सेट, बॉर्डर सेट हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट यूज करते हैं डबल बॉर्डर, यानी मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया कंटेंट तो इसको सेलेक्ट करके नीचे मुझे डबल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे डबल बॉर्डर पे, तो क्या होगा इससे डबल बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन, ये ड्रा बॉर्डर हो गया, हम यहाँ पे इस पर ड्रा कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ड्रा करना है तो देखिएगा ड्रा हो रहा है, रो कॉलम में करना है ये इस तरह से कर सकते हैं, ये रहा, इसको तिरछा करना है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये रहा देखिए हो रहा है ना।
कैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है योर नीड, जो आपकी नीड है। दूसरा नेक्स्ट क्या है इसके बाद, ये होता है ड्रा बॉर्डर ग्राइड, यानी कि बॉर्डर ग्रेड के साथ, यानी कि इसमें कॉलम में भी होगा, तब कि उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें इतना डिफरेंट है, ये आउटसाइड बॉर्डर करता है केवल, क्या करता है आउटसाइड, ये इनसाइड नहीं करता। और ये क्या करता है, आउटसाइड भी करता है एंड इनसाइड भी करता है। इरेजर बॉर्डर, बॉर्डर को डिलीट करने के लिए, मालूम मुझे बॉर्डर ये डिलीट करना है, तो देखिएगा बॉर्डर वहीं से एरिया से डिलीट, केवल बॉर्डर होगा और कुछ नहीं होगा, यहाँ से करना है यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और होता है, यहाँ पे आप इसको यहाँ से लाइन कलर भी दे सकते हैं, जैसे मुझे रेड कलर देना है तो देखिएगा आप इसको फिर दीजिएगा, जहाँ जहाँ बॉर्डर होगा वहाँ पे अपना आप ही रेड लाइन पे करता रहेगा, केवल बॉर्डर आपको वो सेट करना है। ओके, दूसरा नेक्स्ट क्या है इसके बाद, लाइन स्टाइल, आपको किस तरह की लाइन चाहिए, मुझे ये वाली लाइन चाहिएगा, तो देखिएगा ये वाली लाइन सेट हो जाएगी जहाँ पे आप लाइन सेट करना चाहते हैं। और भी है इसके अंदर, यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद है मोर बॉर्डर, और आप अपने आप लगा सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे आप कंडीशंस दे सकते हो बॉर्डर लगाने के लिए, हटाने के लिए, मालूम मुझे टॉप में लगाना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट में लगाना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉटम में लगाना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके साइड में लगाना है, यहीं से हाइड हो जाएगा, यहीं से शो, देखिएगा ओके करिएगा, आगे बॉर्डर चारों तरफ आ गया। चलो ये तो था हमारा बॉर्डर, ये हमारा पैटर्न है, मालूम मुझे इसका पैटर्न सेट करना है, तो इसको सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसका ये पैटर्न सेट कर दिया, जिस टाइप का आपको पैटर्न चाहिए, जैसे मुझे इसके अंदर ये पैटर्न चाहिए तो देखिएगा ये पैटर्न सेट हो गया, मुझे यहाँ पे फॉन्ट कलर चाहिए तो यहाँ पे फॉन्ट कलर ले सकते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करेंगे तब अच्छे से दिखेगा, सेलेक्ट किया आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिएगा दिख रहा है, अगर आप इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे और अच्छे से दिखाई देगा आपको डिजाइन। ओके, नेक्स्ट कंटेंट क्या है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा लेता हूँ, रो का भी और कॉलम का भी, ठीक है बढ़ा लिया, यहाँ से भी बढ़ा लेता हूँ इसे। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉलम के अंदर अलाइनमेंट होता है, कॉलम के अंदर जो अलाइनमेंट्स होता है वो टू टाइप्स का होता है। ओके, एवरी सेल्स हैव अलाइनमेंट टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इज ए थ्री टाइप्स लेफ्ट सेंटर राइट, एंड वर्टिकली इज ए थ्री टाइप्स टॉप सेंटर एंड बॉटम। देखिएगा जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये किस टाइप का, मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टली किया तो हॉरिजॉन्टली में देखिएगा ये नीचे वाला है, लेफ्ट सेंटर राइट, ओके हो रहा है ना, लेफ्ट सेंटर राइट, मतलब मुझे सेंटर चाहिए। अब ये वर्टिकली में किस साइड है, यहाँ है टॉप, ये सॉरी बॉटम है, सेंटर करता हूँ तो बीच में आ जाएगा, टॉप करता हूँ तो ऊपर चला जाएगा, सेंटर ठीक रहता है। दूसरा ये होता है आपका रोटेट, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को सेट करना, मान लो मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज मुझे वैसे चाहिए 90 डिग्रीज में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखो हो गया ना, इसी तरह से मुझे टोटल भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सेट हो जाए। यदि मुझे लेटर वाइज चाहिए, लेटर वाइज पहले मुझे सी चाहिए फिर एस चाहिए फिर एस चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिएगा सी एस एस एस, तो इस तरह से हम इसको अगर घुमाना है तो इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे 90 डिग्रीज, ये इस तरह से घुमा सकते हैं। तो ये होता है हमारा रोटेशन। और जो नॉर्मल करना चाहते हो तो फॉर्मेट सेल्स में जाके आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है 90, तो यहाँ पे जीरो टाइप करके आप इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो वो नॉर्मल होके आ जाएगा। इसके बाद ये होता है एडेंट, एडेंट आपको किधर लेफ्ट में किधर करना है, जैसे इसको मैं अलाइनमेंट यहाँ से लेफ्ट से कर देता हूँ, सर ये लेफ्ट कर दिया, मान लो मुझे इधर करना थोड़ा तो ये आ रहा है ना एडेंट, या राइट करना है तो राइट चला जाएगा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं ये सेट हो सकता है। दूसरा अगर मान लो मैंने यहाँ पे टाइप करा नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो देखिएगा ये सेल है ना, ये जो स्टूडेंट है तो ये क्या हो थोड़ा सा आगे जा चुका है, यानी कि ये कट चुका है, तो अगर मुझे इसे एक ही साल के अंदर एडजस्ट करना है तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको रैप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो रैप टैक्स, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक ही साल के अंदर रैप हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर क्या होता है देखिएगा मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइप करा माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, क्या क्या एमएस ऑफिस 2013, अगर मान लो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस, ये मेरा चार प्रोग्राम्स है। अगर देखा जाए मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये है ना, ये लाइन अलग अलग हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ ये वाली जो रो है, क्योंकि एमएस ऑफिस 2013 के अंदर ये इसी के अंडर में आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ अगर इसी को एक बनाना होता है, जिस सेल को हमें एक बनाना, तो उसको वहां से सेलेक्ट करके आप मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा
आ गया। इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट करके आप इसका पैटर्न सेट करिए, जैसे मैंने इसका येलो ले लिया या इसका कंटेंट रेड कलर ले लिया, तो देखो लग रहा है ना सेट अच्छे से। अगर इसको डार्क करना है तो इसको सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ओके। दूसरा, अगर मुझे बॉर्डर सेट करना है, बॉर्डर सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, इसको क्या कहते हैं मोर बॉर्डर, और मुझे क्या करना है यहाँ पे कौन से कलर में चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर में चाहिए आउटलाइन एंड इनसाइड, और फिर इसके बाद ओके। देखिएगा बॉर्डर सेट होगी अच्छे से, इतना समझ आया। इसको हम एक तरीके से यूज और कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या चला सितंबर, सितंबर है ना आपका सितंबर, इस तरह से टाइप करते हैं। यहाँ पे आपका जैसे मंडे ट्यूजडे, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से इस तरह ड्रैग करते जाएंगे तो अपना आप ये सेल को फिल करता जाएगा। जैसे आज आप देखेंगे आज आपका डे कौन सा है, डे आपका आज क्या है, आज हमारा है वेडनेसडे। आज डे के डे नंबर क्या है, आज का जो डे नंबर है वो है आज आपका क्या, चलो 1 सितंबर को बताइए क्या था, 1 सितंबर को आज क्या है, आज 12 है तो हम 12 कहाँ टाइप करेंगे, 1 को क्या था, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कैलेंडर है यहाँ पे, 1 को था सैटरडे तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 या 2, इसके बाद सॉरी या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 और यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा 17 18 19 20 21 22 23 23 एंड 24 25 26 27 28 29 30। देखिएगा स्टाइल क्या है, 12 को वेडनेसडे आ गया। देखिएगा सितंबर अलग सेल में हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ ये सारी की सारी सेल एक सेल के साथ मर्ज हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करके आप मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसका साइज आप इंक्रीज कर लीजिए, ओके। इसका मैंने पैटर्न सेट ये कर दिया। दूसरा, अब मैं इसका सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके मैंने मान लो कंटेंट कलर दे दिया इसका ब्लू, एंड इसका इस पर कौन सा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ओके अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर भी दे सकता हूँ, सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर तो आउटलाइन एंड इनसाइड और ओके कीजिएगा, तो देखिएगा मेरा ये कैलेंडर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम इसके अंदर क्या करते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का और भी बहुत ज़्यादा यूज है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अंदर कुछ एडवांस ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस हैं जो मैं इसके अंदर बनाना सिखाऊंगा आपको, ओके। दूसरा, ये था हमने आज इसके अंदर होम मेन्यू के अंदर आज हमने क्या कंप्लीट किया है, क्लिपबोर्ड फॉन्ट और अलाइनमेंट। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें होम मेन्यू कंप्लीट, होम टैब कंप्लीट कर दूँगा, जिसके अंदर हम नंबर्स स्टाइल एंड सेल्स पढ़ेंगे, एडिटिंग। आज जो मैं इसके अंदर आज आपको पढ़ाऊंगा अलाइनमेंट तक ही पढ़ाऊंगा, ओके ओके व्यूअर्स, कैसा लगा आपका मेरा वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा इसको आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। यदि आपको किसी वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका मैं क्वेरी का आंसर्स सॉल्व कर दूँ। ओके व्यूअर्स, बाय, थैंक यू सो मच।